निकल पड़े हैं एक नई राइड पे। तो दोस्तों मैं अभी भटक चुका हूँ, लेकिन मैं कहाँ पहुँच गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज केतन और आप सब लोग देख रहे हैं केतन वर्ल्ड चैनल। और अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग 5:50 और निकल पड़े हैं एक नई राइड पे। अभी काफ़ी ठंड है और आपको विश्वास नहीं होगा कि जुलाई के महीने में अभी फ़िलहाल टेम्परेचर है अपना 25 डिग्री सेल्सियस। और ये है दवासीस भाई। हेलमेट किधर है? इधर जाओ, हाईवे जाओ, हाँ वो तो चलेंगे ना, इधर जाके वो चाय के बगीचे होके ऐसे घूम के आएंगे। तो मैं जिधर से आया था वहीं से चलेंगे फिर से। लॉकडाउन लगे है ना, तब से इधर मॉर्निंग वॉक या फिर साइकिलिंग करने का जोश लोगों में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है इस तरफ से। तो हमें इस तरफ एक चाय के बगीचे मिलेंगे। जब आप गुवाहाटी से मुल्लुई होके अपर असम की तरफ जाओगे तो वही फर्स्ट चाय के बगान ही आपको मिलेंगे फर्स्ट। और ऐसे करके यहीं से शुरू होती है चाय के बगीचे। और ऐसे जितने भी ऊपर जाओगे उतना आपको जरा जरा सारा चाय के बगीचे मिलते जाएंगे। देखिए कितनी ग्रीनरी है इधर। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था सुबह जल्दी उठने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। रुकिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए चाय के बगीचे इधर। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। यूट्यूब पे तो महीने में 2 या 3 वीडियोस डालता हूँ। और ये एक नई सरकारी स्कूल बन रही है देखिए। देखिए अगर मैं बात करूँ YouTube की, तो मैं हमेशा अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, और इसीलिए फ्रीक्वेंट वीडियोस अपलोड नहीं करता। अगर हर दिन वीडियोस अपलोड करने लग जाऊँगा तो जो वीडियो का जो कंटेंट क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और वैसे भी फ़िलहाल तो कोई इतनी अच्छी कंटेंट भी नहीं है मेरे पास। फिर भी जो भी है एटलीस्ट कुछ तो आप लोग सीख पाते हैं मेरे वीडियोस से। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वही बस सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद साइड में दिए हुए जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। तो आप हम चलेंगे इस तरफ, बस ऐसे ही आपको कुछ दिखाना था। और देखिए नहीं, रोड काफ़ी अच्छी है, मतलब नई नई बनी है, तो इस पर राइड करने में जो मज़ा आता है ना वो कमाल का है। अरे कुत्ता कुत्ता पिल्ला पिल्ला पिल्ला। काफी ठंड है आज, काफी ठंड लग रही है मुझे।
वाह, देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं रेन फॉरेस्ट में आ गया हूँ। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है यार ये। और देवाशीष कहाँ रह गया? पीछे पीछे, बहुत पीछे रह गया। तो अब हम यहीं कहीं रुकेंगे थोड़ी देर के। भाई दोस्त, 200 रुपये का पेट्रोल लगता हूँ। इधर पेट्रोल भरवा के हो गया और अभी फिर से वापस चल रहे हैं मंगल टाउन की तरफ, क्योंकि पीछे दिखाने के लिए एक तो जगह है लेकिन उधर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि और थोड़ा सा दूर भी है। ज़्यादा दूर नहीं, बस 20 किलोमीटर था, लेकिन आज मन नहीं है इसलिए आज और आगे नहीं चलेंगे। तो फिर से आ गए रेन फॉरेस्ट में। वाओ, काफ़ी सुंदर है ये। तो वापस चल दिए और इस तरफ आ रही यार, किचड़ ही किचड़। मैं आपको एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब से असम में नई सरकार आई है ना, तब से मतलब जो असम की जो रोड है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो हम चलेंगे इस तरफ से और ये एक स्टैचू है और इधर रास्ता ठीक ठाक है, तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली ये रोड पहले अच्छा था और अभी शायद काम चल रहा है आगे, तो पहले तो मैं आ चुका था बहुत बार। देखिए पहले ये फिर इसको इस रास्ते को एक बार तोड़ा गया है, तोड़ के फिर से बना रहा है। मुझे लगता है कि इस पर ब्लॉक डालेगा, जो कंक्रीट होता ना, कंक्रीट का ब्लॉक वो डालेगा शायद, इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे होता ऐसा हो रहा है। और ये देखिए वाटर क्रॉसिंग, विश्वजीत दत्तर इमान दूर। तो दोस्तों मैं अभी फटक चुका हूँ, लेकिन मैं कहाँ पहुँच गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अभी देवाशीष आगे निकल गया, मैं थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए रुक गया था। हाँ आगे आगे वो रुका हुआ है मेरे लिए, तो चलिए मिल गया। तो मैं डर तो नहीं लगा था, आसपास में ही है, लेकिन फिर भी एक राइडर कहीं और मैं कहीं और, ये रखा हुआ था क्रॉसिंग। दोस्तों वाटर क्रॉसिंग हमेशा खड़े होके क्रॉस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मुंबई का निखिल। तो हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे और कहीं तो जाके निकलेंगे। वो चलिए, हाँ ये रोड थोड़ा सा एटलीस्ट अच्छा है। ये दोनों तरफ सिर्फ खेत है खेत, इधर धान जो चावल बनती है धान से, और धान की खेत इधर किए जाते हैं, क्योंकि असम में लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं, बहुत 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 खाते हैं चावल। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड पे और ये है दोरोंग रिजोर्ट, लेकिन इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो इस रिजोर्ट में ज़रा लोग आते भी नहीं हैं। वैसे तो अच्छा है, सुनने में आया था कि ठीक ठाक है। बारिश आएगी आज, ऑलरेडी
भी बारिश शुरू हो गई है, अभी कहीं पर तो रुकना पड़ेगा नहीं तो बिक जाऊँगा पूरी तरीके से। भाई जल्दी आ, कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उसके पहले देख के आता है कुछ सब्जी वगैरह है क्या, देख के आता और मेरा कुछ तो नहीं है, नहीं जो ढूंढ के आया था मिला नहीं वो। इधर रुक के थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो अब हम पियेंगे कॉफ़ी। ये देखिए नया सा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो नहीं है ये, बस एक कॉफ़ी शॉप या फिर टी शॉप मान लो। इधर आपको देसी घी भी मिल जाएंगे और ये देवाशीष। तो हम अभी बोले ऐसे भी आ गया था। तो और हमें खा पी के हो गया, अभी चलेंगे घर। तो घर नहीं, सब्जी बता गए, सब्जी मंडी चलेंगे, मंडी। নগর নগর তাই যা রে, যদি গুহাটী না যা কুড়া যাম। তো বস আজকে লিয়ে ইতনা হি, মিলতে হ্যায় নেক্সট ব্লগ পে পাহাড় কে সাথ। মানে শিওর নেই বল সকতা, লেকিন ফির ভি এটলিস্ট কোশিশ করুঙ্গা। তো আগর সাবস্ক্রাইব নেহি কিয়া তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল, হিট দ্য বেল আইকন এন্ড বস দেখতে রহিয়ে কেতন ওয়ার্ল্ড চ্যানেল কো।